हम पहुंच गए हैं महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार नंबर एक पर। अभी अभी पता चला कि कुछ छात्र अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। चलिए जानते हैं कि क्या मामला है, कि क्या मुसीबत आन पड़ी छात्रों के ऊपर कि इतनी गर्मी में उन्होंने भूख हड़ताल और वो भी अनिश्चितकालीन के लिए जारी रखी है। हाँ जी, आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? देखिए, मैं निधि इंग्लिश डिपार्टमेंट की छात्र हूँ और हम सब यहाँ किसी मकसद के लिए इकट्ठा हुए हैं। हम यहाँ एक अनिश्चित हड़ताल, भूख हड़ताल के लिए इकट्ठा हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे मित्र यहाँ पर हैं। हम यहाँ एक कानून का विरोध करना चाहते हैं, एक कानून जिसमें बहुत से बच्चों का नुकसान देखने को हमें मिला है। किसी कारणवश कुछ बच्चे जो हैं अपने डॉक्यूमेंट जमा नहीं करवा पाते, जिसकी वजह से उन पर 5,000 का जुर्माना लगाया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि हर वर्ग का बच्चा 5,000 रुपये नहीं दे सकता। और इसमें हमेशा बच्चे की गलती नहीं, बल्कि कभी ना कभी यूनिवर्सिटी की, किसी न किसी तरह, किसी न कॉलेज की, कहीं पीछे से रिजल्ट नहीं आया, तो इस तरह की समस्याएं हमें देखने को मिलती है, जिस वजह से बच्चों को हर जगह धक्के खाने पड़ते हैं और आखिर में उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होता। तो आज हम यहाँ अनिश्चित भूख हड़ताल पर बैठे हैं और इस कानून का विरोध करते हैं कि ये 5,000 रुपये जो जिस पर जुर्माना लगाया जाता है, ये हटना चाहिए। इसकी कोई भी वैल्यू इस यूनिवर्सिटी में नहीं होनी चाहिए।